नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ और हमारे साथ देखिए डायरेक्टर प्रमोद शास्त्री जी और प्रोड्यूसर हमारे हैं विनोद गुप्ता जी। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं संजय भाई। और ये श्री राम की नगरी में और राम की पेड़ी पे हम आज इसमें एक सॉन्ग का कल्लू जी और काजल जी का शूट करने जा रहे हैं प्रमोद जी के नेतृत्व में। बड़ी सौभाग्य की बात है, भगवान श्री राम भगवान हनुमान जी की नगरी में मुझे अपनी फिल्म आन बान शान को शूट करने का पिक्चराइजेशन करने का मौका मिला प्रमोद शास्त्री के नेतृत्व में। इसके लिए मैं भगवान श्री राम जी को और हनुमान जी को पहले सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत ही पावन तीर्थ स्थल है प्रमोद जी, आपका नाम भी जुड़ा हुआ शास्त्री हैं आप, कितना मजा आ रहा है यहाँ शूट करके फिल्म का? अभी तक जितनी भी फिल्में बनाई सबसे बड़ी और सबसे फिल्म है। बड़ा खर्चा किया भैया ने, मैं तो रोक ही रहा था लेकिन उन्होंने बोला अपने नाम के अनुरूप काम करेंगे। इस लेवल पे बहुत बड़ी बनाई है और अयोध्या वाकई प्रशासन की तरफ से देख लें या लोकल लोगों की तरफ से देख लें बहुत ही अधिक सहयोग है। किसी ने कहीं किसी जगह के लिए शूटिंग करने के लिए मना नहीं किया। अभी आप देखेंगे तो आज राम की पैड़ी पर हैं, कल कॉलेज में थे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी दोपहर में ही हम जाएंगे कनक भवन में शूटिंग करने के लिए, वहाँ के पुजारी जी ने भी बोला कि आके शूट कर लीजिए। किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा, किसी ने कोई मतलब किसी भी अन्य तरह की कोई बात नहीं करी और पूरा सहयोग किया है। तो ये बड़ी अच्छी परोजी, पिक्चर का नाम है आन बान शान, क्या कहती है फिल्म? पिक्चर का नाम ही आन बान शान है तो मैं हमें मुझे उसका मतलब समझना है, मेरे दर्शकों को जरा बताइए। आन बान शान मतलब व्यक्ति अपने मान सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा के लिए और उसको बचाने के लिए क्या कार्य करता है और क्या होता है कि इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसको अपनी जानवर होते हैं उनको खाना जीना ही रहता है लेकिन मनुष्य के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार होता है, समाज होता है, देश होता है। उस हिसाब से कि हर किसी का कोई मान प्रतिष्ठा कम ना हो और चीज़ें अच्छी बने, इसी तरह की है आन बान शान। जैसे कि विनोद गुप्ता जी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जीते हैं शुरू से ही और मुझे लगता है कि ऐसा कोई आर्टिस्ट, ऐसा कोई टेक्नीशियन कलाकार नहीं हो जो विनोद गुप्ता जी को नहीं जानता होगा। इतने बड़े बड़े डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं लेकिन सिर्फ प्रमोद शास्त्री को सर उन्होंने फाइनल किया, क्या कुछ रीजन रहा होगा? अभी बड़े बड़े बोल रहे हैं तो जो बड़े बड़े होंगे भाई हमारे तो सारे डायरेक्टर। और सुना है कि बहुत हाई बजट आपने इसमें लिया है। हाँ तो पारिश्रमिक तो मैं ज़्यादा लेता हूँ इसलिए क्योंकि अन्य कोई भी बुराइयाँ नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, पारिश्रमिक तो मैं लेता ही हूँ, ऊपर से भैया का आशीर्वाद है। और अब इन्होंने भी देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों का एनालिसिस करते हैं, भोजपुरी अवार्ड में 60-50 फिल्में आती रहती हैं एवरी ईयर, 15 सालों से कर रहे हैं तो देखा होगा कि प्रमोद कुछ अच्छा कर पाएंगे। अभी नई सोच है, नई बात है, मेरी हर फिल्म डिफरेंट होती है। भैया ने भी 2-3 फिल्में मेरी देखी हुई है, उसके हिसाब से सोचा होगा। ये तो इनका डिसीजन है, ज़्यादा अच्छा बता सकते। विनोद जी आप ही बता दीजिए कैसे इनका सिलेक्शन हुआ डायरेक्टर साहब का? प्रमोद शास्त्री की मैंने फिल्में देखी और इनका सोच, इनकी विजन और भोजपुरी भाषा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा पॉजिटिव रहता है। सभी डायरेक्टर अच्छे हैं, सभी प्रोड्यूसर अच्छे हैं, सभी टेक्नीशियन अच्छे हैं लेकिन मेरे विजन में, मेरे कॉन्सेप्ट में प्रमोद जी बैठ रहे थे। मेरे इनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, छोटे भाई जैसे मेरे हैं, एक गार्जियन के रूप में मैं इनके रहा हूँ। तो मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं अच्छे डायरेक्टर के नाते भी और भाई के नाते भी तो मैं इनको अपने साथ जोड़ूँ और इनके साथ जुड़ूँ और आगे काम करूँ। तो मैं अब आया हूँ तो काम करने के लिए आया हूँ। फिल्म में आर्टिस्ट का सिलेक्शन कैसे आपने किया है? वो मैं और प्रमोद जी डायरेक्टर के नेतृत्व में ही आर्टिस्ट मैंने सेलेक्ट किया, वो मेरा कोई डिसीजन नहीं, वो डिसीजन होता है डायरेक्टर का, वो इन्होंने किया। असल में होता क्या है कि फिल्म में कलाकारों का चयन उनके कैरेक्टर के आधार पर होता है। हर डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है, स्क्रिप्ट की अपनी एक डिमांड होती है कि इस तरह का कैरेक्टर है तो हमारे इंडस्ट्री में कौन सा कलाकार है जिसको बेहतर तरीके से कर सकता है। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनसे हमने बात किया लेकिन उनके पास डेटे नहीं थी, अदर चीज़ें भी थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो सबके साथ होता है वो हमारे साथ भी होता है लेकिन अच्छी बात है कि किसी भी कलाकार का सिलेक्शन जो है हमारे लिए प्लस ही रहा। हमने जिनको भी सिलेक्ट किया उन्होंने अपना काम बाखूबी किया, बड़ी डिसिप्लिन में किया और समय पर किया और समय पर करके अभी तो ऑलमोस्ट सारे कलाकार जा चुके हैं, अभी हीरो और हीरोइन बचे हुए हैं। जरा हम कलाकार का सबका नाम जानना चाहेंगे। अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, काजल यादव हैं, इसके अलावा अवधेश मिश्रा जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, देव सिंह मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं और रमेश नौटियाल जी हैं जो उत्तराखंड की फिल्मों में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ अवधेश मिश्रा जी हैं वैसे ही नौटियाल साहब हैं, वो भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अनीता रावत जी हैं और बहुत सारे कलाकार हैं, कितना नाम है।
बहुत बड़ी फिल्म। कुछ कलाकारों का नाम आप भी बता दीजिए सर। आपको डायरेक्टर साहब ने सारी कलाकारों के नाम बता दिया, बस जो छूट गए हैं उसका नाम ले लीजिए, बस हो गया। हो गया। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं गिनती में। अच्छा, कलाकार हमारे लिए सम्माननीय है, हमको किस किस का नाम है? अच्छा, आज जो 13 दिसंबर है, अभी शूटिंग कब तक चलेगी आपकी? आज भगवान श्री राम की नगरी में आज मेरा समापन का दिन है और बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दिन मेरा छोटा भाई यंग पीआरओ जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए लड़ता है, झगड़ता है, अच्छा सोच लेके चलता है, तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है, संजय पटियाला जी भी यहाँ आया मेरा भाई, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। लास्ट डे तो मैं संजय पटियाला जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सर, ये सिनेमा जैसे आज तो खत्म हो जा रही है, और कब तक रिलीज करने का कुछ सोचा होगा आपने? इसका अभी ये गाना बैलेंस है जो यहाँ पर बहुत कोहरा था और रात का गाना है, करवा चौथ का गाना है, तो हम कर नहीं पाए हैं, जबकि हमारे पास समय था और अवेलेबिलिटी भी बहुत सारी थी, लेकिन खाली कोहरे की वजह से हो नहीं पाया। आज देखिए भगवान की मर्जी है, जब आर्टिस्टों को हमने विदा कर दिया तो कोहरा भी नहीं है, तो ये गाना हम बॉम्बे में या किसी अच्छी जगह पर करेंगे, शूट करेंगे। बाकी पूरी फिल्म कंप्लीट है, तो कुछ नया देखते हैं क्या। हम अगर टेक्नीशियन की बात करें तो DOP, डांस मास्टर, फाइट मास्टर जरा बताएं कौन? सबसे खुशी की बात है कि हमारे सबके लाडले पूरी इंडस्ट्री में जो सम्मान करता है, जिसका जैसे कानू मुखर्जी जी है, बड़े अस्वस्थ थे बेचारे, हम लोग बड़े चिंतित थे, और स्वस्थ होने के बाद सबसे पहला हमारी ही फिल्म करने के लिए आए हैं, गाने करने के लिए। 5 गाने ये कर चुके हैं, 2 सैड सॉन्ग था जो मैंने खुद ने किया हुआ है, 1 सैड सॉन्ग है और 1 विदाई शादी का सॉन्ग है, वो मैंने खुद कर लिया था, और अभी आए हैं 5 गाने कानू जी ने किया है। और बड़े ही सबसे बड़ी बात है कि वो तीसरी जनरेशन पार कर रहे हैं, लेकिन वेरिएशन और मॉडर्निटी और पुराना जो स्टेप है उस सब का सम्मिश्रण है, बड़ी खुशी है उनको देख करके। जसविंदर सिंह हुंदर जी हैं जो हमारे DOP हैं, वो भी लगातार प्यार तो होना ही था, इसके बाद आन बान शान में साथ लगातार फिल्में कर रहे हैं, बड़े बढ़िया नाइस गाई, बहुत अच्छे इंसान हैं। मधुकर आनंद जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिकंदर है आर्ट डायरेक्टर, बहुत अच्छा काम किया उसने। इस तरह से हमारे असिस्टेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच।